कफ हो गया, खराब दिख रहा। अच्छा वर्षा भावना बोलो। आप लोग बोल रहे थे, मैं बोल लूँ फिर? हाँ बोलो 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 बोलो। सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद अभगिनी। हम आगे चलेंगे और आपने पूछा था चित्त और चन का प्रयोग के लिए, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि क्या है ये और कैसे उसके उपयोग होते हैं। तो देखिए, चित्त और चन जो है वो शायद आपके एक सेकंड तृतीय पाठ में है। हाँ, चित्त और चन जो है वो आपके तृतीय पाठ में परिचय की किताब में है। और ये जो है चित्त और चन दोनों का जो प्रयोग है वह जब भी कभी थोड़ी अनिश्चितता सी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी शब्द में जब हम लगा देते हैं इसको, तो वो अनिश्चय को दिखाता है कि उसका पता नहीं है। जैसे बोलते हैं कि वह आदमी, तो वो हमको पता है कि वह आदमी है, वो जो सामने दिख रहा है वो आदमी, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर हमें नहीं पता हो कि कौन सा आदमी था तो हम बोलेंगे कोई आदमी, तो फिर हमको पता नहीं कि कौन है, तो यहां पे संशय हो गया। तो यहां पे निश्चित नहीं है, ऐसी जब चीजें होती हैं तब चित्त और चन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों समान होते हैं, कहीं पर भी चित्त कर सकते हैं और चन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें आपको बताया था कि किम शब्द जो है, किम शब्द का ये सर्वनाम है और इसके जो रूप हैं वो आपको याद करने होंगे। ये अगर आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया, जैसे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति सब में ये जो दिया हुआ है, तो किम शब्द के ये रूप हैं पुल्लिंग के लिए। कह कौ के, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वितीया विभक्ति में कम कौ कान, फिर केन काभ्याम कई ही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। तो ये सब सात विभक्तियों में किम शब्द के रूप हैं जो चलते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। अब अगर आपको ये सर्वनाम आपको सातों विभक्ति और तीनों वचनों में याद हैं, तो इसी से ही आप इसके आगे चित या चन इसका प्रयोग करेंगे, इसके आगे लगा देंगे तो ये शब्द आपका बन जाएगा। तो जैसे कह लिखा है, कह के आगे चित लगा दें या कह के आगे चन लगा दें। इसी प्रकार से कम लगा है, कम के आगे चित लगा दें या चन लगा दें। केन के आगे चित लगा दें, कस्मै के आगे चित, कस्मात् के आगे चित, कस्य के आगे चित, कस्मिन् के आगे चित, इस प्रकार से उसके रूप बनेंगे। तो उसमें बीच में जो है आपने संधियां पढ़ी थी, संधि के रूल भी एकाध उसमें लग जाते हैं, तो उससे आपको ये प्रभाव समझ में आ जाएगा। अब मैं अगला आपको दिखा रहा हूं, इसमें उसको चित का प्रयोग करके दिया है। तो देखिए, ये सातों विभक्तियों तीनों वचनों में कह के आगे जब चन लगाते हैं तो जो विसर्ग होता है वो शा बन जाता है, ठीक है, तालु वाला शा बन जाता है ये, तो बन जाएगा कश्चन। तो जहां कहीं भी विसर्ग होगा वो शा बन जाएगा, तो कह का हो जाएगा कश्चन। कौ के आगे देखिए चन लिखा है तो हो गया कौचन। के आगे चन लिखा है तो केचन। कम के आगे चन लिखा है तो कंचन। कौ के आगे चन लिखा है तो कौचन, कांचन। तो अब ये सब इसी प्रकार से बनते जाएंगे, केनचन, काभ्यांचन।
अब देखिए काभ्याम लिखा है, काभ्याम में जो मा है वो मकार है लास्ट में, और उसके आगे चा आया है, तो चा आने के कारण आपको बताया था कि मकार जो है अनुस्वार जो है वो परिवर्तित हो जाता है पंचम वर्ण में, चा वर्ग के पंचम वर्ण में वो हो जाएगा, तो चा छा जा झा या, तो यहाँ पे या बन जाएगा, तो काभ्यांचन हो जाएगा। तो मकार को माँ नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे। तो ये आपको बहुत पहले रूल बताया था, तो वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा अनुस्वार का। काभ्यांचन, कई ही लिखा है, तो उसके आगे कई के आगे चन लिखा है, कई में विसर्ग है इसलिए विसर्ग का शा बन जाएगा, तो हो जाएगा कैश्चन। कस्मई है, उसके आगे चन है तो कस्मई चन। काभ्याम है तो काभ्यांचन। केभ्य है तो केभ्यश्चन। अब आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे ये बने हैं अगले अगले रूप। कस्मात है तो यहाँ पे ता की जगह आधा चा हो जाएगा, कस्माच्चन, काभ्यांचन, केभ्यश्चन, कस्यचन, कयोह का होगा कयोश्चन, केशांचन, कस्मिन है तो कस्मिश्चन, कस्मिंश्चन, कयोश्चन, केशु का केशुचन। तो ये चित और चन में इस प्रकार से ये बन जाएंगे, इसमें चन लिखा है या चित लिखा है सब एक ही है। ये देखिए स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो किम जो है वो जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब इसमें भी हम जब चित या चन का प्रयोग करेंगे तो रूल वही है जो आपको अभी बताए थे पुल्लिंग में जब आपको दिखाया था, तो वैसे ही यहां पर भी बनेंगे। अब इसमें कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। अब देखिए चित लगाया हमने का के आगे तो हो गया काचित, के आगे लगाया केचित, काह विसर्ग आ गया तो विसर्ग की जगह शाह हो जाएगा काश्चित, काम है उसमें मकार है लास्ट में, अंत में मकार आने के कारण मकार जो है यहां में कन्वर्टेड हो जाएगा, बदल जाएगा, कांचित, केचित, काश्चित, कयाचित, काभ्यांचित, काभिश्चित, कस्यैचित, काभ्यांचित, काभ्यश्चित, कस्याश्चित, काभ्यांचित, काभ्यश्चित, कस्याश्चित, कयोश्चित, कासांचित, कस्यांचित, कयोश्चित और कासुचित। इस प्रकार से ये इसके रूप बन जाएंगे स्त्रीलिंग में। अभी एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको तो आप लोग भी दोहरा लेंगे बोल के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। इसी प्रकार से किम, ये नपुंसक लिंग का शब्द है यहां पर, तो इसमें बनेगा किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कई ही, कस्मई काभ्याम कई ही, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, कस्य कयोह केशाम, कस्मिन कयोह केशु। तो ये इसके सात विभक्तियों और तीन वचनों में उसके रूप हैं। इसी प्रकार जब इसको हम लोग चित में परिवर्तित करेंगे तो किम का किंचित, के का केचित, कानिचित, किंचित, केचित, कानी का कानिचित, केन का केनचित, काभ्याम का काभ्यांचित, कई ही विसर्ग आ गया कैश्चित, कस्मई चित, काभ्यांचित, केभ्यश्चित, कस्माचित, काभ्यांचित, केभ्यश्चित, कस्यचित, कयोश्चित, केशांचित, कस्मिंश्चित, कयोश्चित और केशुचित। तो इस प्रकार से ये नपुंसक लिंग में रूप बनेंगे। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से रूप बन रहे हैं और कैसे कैसे चित और चन का प्रयोग करना है।
तो यहाँ पर जितने भी हैं ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप कहीं पर भी किसी विभक्ति में आपको उसका प्रयोग करना है। तो आपने अगर ये तीन विभक्तियों में रूप याद किए हुए हैं तो आप इस किम शब्द से सारे के सारे रूप चित और चन के बना सकते हैं। कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली अगर आपको यह जो है बेसिक है ये, अगर ये मूल रूप से अगर आपको याद है। इसमें बताएं किसी को अगर समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो रही हो इसको समझने में, या फिर आप इसको खुद बना के देखना चाहते हैं तो बना के देख लीजिए, बोल के आप देख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि किसी को दिक्कत हो रही है बताएं। आवाज जी आवाज नहीं आ रही किसी। आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में। अच्छा तो ये आपको रूप बनाने समझ में आ गए कैसे चित और चन लगाने हैं। इसको अगर आप बोलना चाहें तो बोलकर भी आप लोग पढ़ के देख सकते हैं मेरे सामने, आपको समझ में आ जाए। मैंने इसीलिए टेबल बना के दे दी है जिससे आपको बाद में रेफरेंस के लिए भी सब आपके साथ रहे। आचार्य जी, ये चित चन का प्रयोग जो है केवल प्रश्न के लिए होता है? हाँ जैसे बोलते हैं ना कि अभी आपको बताया कि संभावना। वह आदमी वह लड़का, फिर हम बोलते हैं कोई लड़का आया था, तो वो जब हमने कोई बोला तो उस जगह पर जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई शब्द के लिए, वो कोई जो है प्रश्नवाचक शब्द में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या एक साधारण वाक्य में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो चित और चन का प्रयोग है वो यहां पर ही करके उसको बनाएंगे आप। ठीक है, ये प्रश्नवाचक शब्दों से ही, किम शब्द से ही आपको चन और चित लगाकर शब्द बनाना है। तो इन शब्दों को याद मत करिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग याद करेंगे तो इतने सारे शब्द हैं कैसे याद करेंगे सारे, तो उसको समझ लीजिए कि वो कैसे बन रहे हैं। और अगर उसकी विधि आपको समझ में आ गई कैसे बन रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसका प्रयोग करते जाएं इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए, और आप कोई भी शब्द बना सकते हैं चित और चन का प्रयोग करके। जैसे मैं कहीं जा रहा था, अब कहीं मुझे पता ही नहीं है कि कहीं जो शब्द है वो मुझे कैसे यूज करना है, तो मैं वहां जा रहा था ये तो मुझे पता है कि कोई डेस्टिनेशन मेरा जो है निर्धारित है कि मुझे इस जगह पर जाना है, लेकिन कहीं जा रहा था तो कहीं का मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना था, तो यहाँ पे अनिश्चितता हो गई। इसी प्रकार से मैंने एक गरीब को धन दिया, एक भिक्षुक को धन दिया, तो मैं उस भिक्षुक को जानता हूँ, उस भिखारी को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने भिखारी को धन दिया, लेकिन मैं किसी भिखारी को धन दिया मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किसको धन दिया, तो एक अनिश्चितता हो गई। तो जब भी वो अनिश्चितता का शब्द आपको लगाना है तब आप इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। क्लियर हुआ? निर्धारण देकर वाक्य बनाएंगे और क्लियर। हाँ तो वाक्य बनाइए उसका आप, अब आप बनाइए जैसे कश्चित पुरुषः तत्र गच्छति, क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति वहां गया पश्चिम। कश्चित कहां पर आएगा? देख रहे हैं कश्चित अब देखिए ये, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में थोड़ा जल्दी आएगा। ये चन का प्रयोग से दिया हुआ है, मैं इसको चन की बजाय चित का प्रयोग का बताता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगी।
ठीक है, अभी देखिए, अब ये जो है चित के प्रयोग से मैंने इसको कर दिया है। तो अभी आपको समझ में आ रहा कश्चित कहाँ लिखा है? प्रथमा में, हाँ, प्रथमा एकवचन, प्रथमा एक वचन का है। किससे बना है? चित से नहीं, चित लगा के बना है, ये तो अव्यय है। हाँ, हाँ, लेकिन कह से, कह से, कह से, कह से बना है, कह से। कह किससे बना है? कह बना है सह से। सह हाँ, का मतलब होता है वह, वो, ठीक है, और वो कौन, कौन। अब कौन के साथ में चित लगा दिया, मतलब अनिश्चय हो गया वहां पे कि वह आदमी, वो आदमी कौन है वो मुझे पता नहीं है। वह आदमी मतलब मुझे दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं, तो यहां पर मुझे दिखेगा नहीं अब तो कोई आदमी है, तो इसलिए उसको हो गया कश्चित। अब जब कश्चित हो गया तो कोई आदमी हो गया वो, तो ये हो गया कश्चित पुरुषः। कश्चित पुरुषः का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी। कश्चित पुरुषः तत्र गच्छति, कोई आदमी वहां जा रहा है, वहां जाता है, जाता है। काचित वृद्धा कथां वदति, काचित, अब काचित में देखिए चित हटा दीजिए, क्या बचा? काचित में का, हाँ, सब लोग कोशिश करें, देखिए सब लोग कोशिश करिए, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, सब लोग कोशिश करेंगे सबको एक साथ आ जाएगा, सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि उसको बताएंगे ना तो दिमाग जल्दी चलता है। तो काचित में चित हटा दीजिए, चित और चन जहां कहीं भी आए तो उनको हटा दीजिए, तो आपको उसका मूल मिल जाएगा क्या है, तो इसमें बचा का। अब का जो है, साका, हाँ, सा का रूप है, साका है स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग में वह बोल रहे हैं। अभी ये हमने कह में पुल्लिंग का वह बोला था, पुल्लिंग का बोला, यहाँ पे काचित है, काचित में सा हो गया, सा वाला का, तो सा का मतलब स्त्रीलिंग की बात हो रही, इसलिए हमने बोला काचित वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत या कोई बुढ़िया, ऐसे बोलते ना, काचित वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत काचित वृद्धा कथाम वदती, कथा कह रही है। अभी समझ में आ रहा है अर्थ? हाँ, आ रहा है। कैसे निकालना है, सब लोग ऐसे ही देखिए, मैं बोलता जाऊंगा ना उससे ही आप लोग निकालते जाइए शब्द और फिर उसके अर्थ बताते जाइए। तीसरा सुनिए, रमेशः केनचित मित्रेण सह नगरम गतवान, केनचित मित्रेण, केन तृतीया में बोल रहे, कौन, तो रमेश, रमेश केनचित मित्रेण, रमेश किस मित्र के, हाँ, कोई मित्र के साथ, किसी मित्र के साथ, केनचित मित्रेण सह नगरम गतवान, नगर को गया, गया था, गया, ठीक है। अगला देखिए, ग्रह स्वामिनी, ग्रह स्वामिनी कस्यैचित सेविकायै वस्त्रम दत्तवती, ग्रह स्वामिनी घर की जो मालकिन है उसने, ग्रह स्वामिनी कस्यैचित, अब कस्यैचित कहाँ पर आएगा? अब ये कस्यैचित हो गया, कस्यैचित कहाँ पर लिखा है, किसमें आएगा? कस्यैचित, कस्यैचित लिखा है उसमें षष्ठी में, नहीं कस्यैचित है, नहीं ये कस्यैचित लिखा है आपको, कस्यैचित या के ऊपर ए की मात्रा लगी है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, इसके लिए आपको रूप याद होने चाहिए, ऐसे देख के आप पढ़ेंगे ना तो नहीं आएगा। आप देखिए कस्यचित जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग है, तो ये पहचानना है आपको। आप लोग ऐसे मतलब रूप याद नहीं है अभी ज्यादा, तो वो रूप याद करने,
वो बेसिक अगर नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो याद नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी उसको पहचानने में। अब ये कस्यचित जो है वो चतुर्थी का एक वचन का रूप है, तो यहां पर आएगा कस्यचित सेविकायै, किसी सेविका को या सेविका के द्वारा, वहां पर होता है ना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वस्त्रम दत्तवती, वस्त्र दिए, ऐसे ही आपको लगाना है। कस्याश्चित लताया पुष्पम पतितम, कस्याश्चित लताया। तो अभी इसमें देखिए आपको एक और भी चीज है कि अभी जब शुरू में है तो आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो उसका जो रूप है वो उसका लिंग पहचानने के लिए, तो जो दूसरा उसके बाद में शब्द आता है उसको भी देख सकते हैं आप। तो जैसे इसमें लिखा है कस्याश्चित लताया, अब लता जो है उससे लतायाह बना है, और लता जो है उसमें आकारांत है, दीर्घ आकार है, तो इसलिए वह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये कस्याश्चित है ये भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होगा। अब यहां अच्छा से आपको एक हिंट के तौर पर दिया है कि आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, लेकिन आपको रूप याद होने ही चाहिए, ये तो शब्द ही नहीं पता है तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले पहचानना। और ये सब हिंट तो आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन उसको भी याद कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पर हो गया कस्याश्चित लताया। अब देखिए कस्याश्चित षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, कस्याह चित मिलके बना कस्याश्चित, दिख रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन में सबको? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये है सप्तमी कस्याश्चित। भी सेम है, नहीं, सप्तमी भी सेम ही है सप्तमी वैसे में भी। देखिए अनुस्वार लगा है कस्याम, तो वो जो मा है अनुस्वार है वो या में कन्वर्ट हो गया, तो हो गया कस्यांचित, वो शा नहीं है वो या है, चाचा जाजा या वाला अनुस्वार वहां पे बदल जाता है। अभी आपको बताया था ना पंचमी अनुस्वार और षष्ठी एक लग रही है ना, सप्तमी, पंचमी और षष्ठी। हाँ वो दोनों सेम है ना, कस्या कस्या दोनों में है ना, तो वो जिसमें सेम होगा उसमें तो सेम ही आएगा ना, चेंज नहीं होगा। हाँ जी। तो मूलभूत है उसका, विभक्ति की टेबल अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा। अब बताया हाँ था आपको कि कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो देखिए एक से होते हैं। अभी इसमें देखिए ना, यहां पर देखिए कस्याह कस्याह लिखा है 2 बार लिखा है यहां पर, तो ये हाँ देखा। कस्याह, अब इसका जो शब्द बनेगा वो कस्याश्चित बनेगा या कस्याश्चन बनेगा, इसका भी वही बनेगा क्योंकि शब्द ही एक है। अब यहां देखिए के लिखा है 2 बार तो इसका भी वही बनेगा, काह लिखा है तो काश्चित बन जाएगा, काभ्याम लिखा है, अब इसके आगे चा आएगा तो यहां पे ये मकार है अनुस्वार है ये, तो वो अनुस्वार का मकार है, तो ये परिवर्तित होके चा आएगा आगे, तो इसलिए चाचा जाचा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा काभ्यांचित काभ्यांचित काभ्यांचित। यहाँ पे देखिए कयोश्चित कयोश्चित काश्चित काश्चित काभिश्चित काभ्यश्चित, ऐसे करके बनाते जाइए। रूल अगर दिमाग में रख लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कस्याह आने के कारण ये हो गया कस्याश्चित, ठीक है? तो इस प्रकार से ही आपके ये बनते जाएंगे। अभी देखिए कस्मिंश्चित कस्मिंश्चित लास्ट में, अब ये देखिए कस्मिन आता है कहां पर, यहां देखिए ये पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन कस्मिन से बना हुआ है, तो कस्मिन में चित लगाया तो कस्मिंश्चित हो गया। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं इनको ध्यान रखिए, कस्मिंचित पुस्तके अहम एताम कथाम दृष्टवान, किसी किताब में या किसी पुस्तक में मैंने एताम कथाम दृष्टवान इस कथा को देखा। अब मुझे कौन कौन सी पुस्तक है मुझे नहीं पता, इसलिए कस्मिंचित हो गया, ठीक है? ऐसे ही आता है छात्र, अब देखिए यहां पर
इसमें आएगा शिक्षकम, शिक्षक कहा आ गया। हाँ देखिए ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में किम के साथ में देखिए चित है प्रथमा एक एक वचन में, तो हो गया किंचित। के आगे चित है तो केचित कानिचित, फिर यही रिपीट हो जाएंगे किंचित केचित कानिचित द्वितीय में, फिर केनचित काभ्यांचित कैचित, ऐसे करके इनके रूप बन जाएंगे। तो ये नपुंसक लिंग में ही इस प्रकार के रूप बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आप नीचे देखिए नपुंसक लिंग में ही सप्तमी का बहुवचन, यहाँ पे केशु प्लस चित है लिखा हुआ तो केशुचित हो गया। तो यहां पर पुल्लिंग में, और अब देखिए पुल्लिंग में भी आपको यही रूप दिखेगा, ये पुल्लिंग का है, पुल्लिंग में भी आपके सप्तमी बहुवचन में केशुचित है, तो यहां पर भी केशुचित है, ये पुल्लिंग में भी सेम है, नपुंसक लिंग में भी सेम है सप्तमी बहुवचन में। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ये पुल्लिंग का आपको यूज करना है कि नपुंसक लिंग वाले में है, तो उसका जो अगला शब्द है उससे पहचानिए, केशुचित विद्यालयेषु, विद्यालयेषु विद्यालयः इससे बना हुआ है विद्यालयेषु, तो विद्यालय प्रातिपदिक है और विद्यालयेषु उसका सप्तमी बहुवचन का रूप है, तो इसलिए विद्यालयेषु जब यूज हुआ तो ये आपको पुल्लिंग का शब्द है ये पता चल गया। यहां से केशुचित उसके लिए किसी विद्यालय में, तो हो गया केशुचित विद्यालयेषु उत्तमम पाठनं पाठनम न प्रचलति। तो इस प्रकार से आपको चित और चन के प्रयोग हैं जो आपको करने हैं, ये आप लोग थोड़ा सा बेसिक टेबल, अगर आपने ये वाली टेबल अगर याद कर लिए ना, इस तालिका से अगर आपने कर लिया है तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी, और ये तालिका आपके लिए सहतौते तम तौ ताम ऐसे करके जो आपको टेबल पता पहले बताई गई थी उसी में सा की जगह का कर देना है तो ये बन जाएगा। तो आप एक बेसिक टेबल तीन याद कर लेंगे तो आपको सारी की सारी संस्कृत में अधिकतर टेबल याद हो जाएंगी आपको, तो उसके रूप पकड़ लीजिए, जितनी बार आप लोग दोहराते जाएंगे उन बेसिक टेबल को, अकारांत इकारांत मकारांत उन सब के एक एक टेबल है खाली, उनको पढ़ डालिए या याद कर लीजिए एकदम, आते जाते कहीं लिख के रखिए अपनी कॉपी में या कोई नोट वोट बना के, और जब भी कभी इधर उधर इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसी में उसको दोहराते जाइए, 10-20 बार उसको दोहरा लिया थोड़े थोड़े टाइम के बाद में तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किताब में और प्रयोग दिए हैं तो आप उससे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं वहां पर। तो ये मैंने आपको बताया चित के और चन के प्रयोग, यहां पर ये चन का प्रयोग है, अभी तक आपने चित वाले देखे थे, ये चन वाला भी आप देख लीजिए, तो यहां पे कह के आगे चन लगा दिया तो रूप वही रहेगा, कश्चन हो जाएगा, कौचन हो जाएगा, केचन कम है तो कंचन हो जाएगा, कौचन कांचन, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेम प्रयोग हैं, उन्हीं पे ही लगेंगे ये। अब ये स्त्रीलिंग का रूप है तो का के काह इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा काचन केचन काश्चन कांचन केचन काश्चन, तो इसमें आपको याद नहीं करना कुछ, मैं मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है यहां पर कि आप थोड़ा सा याद करिए और उसके बाद सारी चीजों को बनाना सीखिए कि कैसे बनाना है, और वो बनाते बनाते फिर आदत बन जाएगी आपको, फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना, अपने आप ही याद आ जाएगा सब। ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है, ये नपुंसक लिंग का है चन के साथ में, किम चन तो यहां किन चन के चन कानी चन किन चन के चन कानी चन केन केन चन काभ्यांचन कैश्चन कस्मैचन काभ्यांचन केभ्यश्चन
कस्माच्चन काभ्यांचन केभ्यश्चन कस्यचन कयोश्चन केशांचन कस्मिंश्चन कयोश्चन केशुचन। इस प्रकार से चित और चन के ये रूप बनते हैं और प्रयोग में आप इसको कहीं पर भी ला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी जब अनिश्चितता किसी चीज में आपको दिखानी है वहां पर आप चित और चन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चाटुश्लोक थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और बीच बीच में इन सब चीजों को देखते जाइएगा। कुछ आपके पहले के कराए भी हैं और इसलिए मैं ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का आपको बताता जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। मर्कटस्य सुरापानम मध्ये वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारः यद्वा यद्वा भविष्यति। अब देखिए इसमें ये चाटुश्लोक है तो चाटुश्लोक में कुछ चीजें ऐसी बताई जाती है जिसमें तो आपको थोड़ा मजा आएगा, हास्य भी आता है, थोड़ा सा कुछ मजा भी आता है उसमें। तो उसमें चाटुश्लोक में कुछ चतुराई भरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जैसे मरकट, मरकट होता है बंदर, बंदर को बोलते हैं मरकट। मरकटस्य तो मतलब मरकट जो है बंदर, सुरापानम, सुरापान जो है मतलब शराब। तो अगर वो सुरापान कर ले, शराब पी ले, एक बंदर जो होता है वो अगर सुरापान करे मतलब एक शराब पी ले। अब देखिए जो बंदर होता है उसकी प्रकृति होती है कि वो बहुत चंचल होता है, वैसे ही वो उछल कूद करता रहता है। और अगर उसने दारू पी ली, शराब पी ली, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा, वो तो और उत्पात मचाएगा। वैसे ही उत्पात मचाने वाला प्राणी है और उसने शराब भी पी ली तो और ज्यादा उसका उत्पात बढ़ जाएगा। उसके साथ में मध्य वृश्चिक दंशनम, अब वृश्चिक होता है बिच्छू। अब अगर बिच्छू उसको काट ले, उसी के बाद शराब पीने के बाद अब उसको बिच्छू भी काट ले, तो बिच्छू के काटने से क्या होगा, उसको जो जहर है वो उसके ऊपर जाएगा। जब उसके जहर अंदर पहुंचेगा तो जहर से तड़पन पैदा होती है, तो उससे आदमी और उछलता है। तो एक तो बंदर, ऊपर से वो वैसे ही चंचल उत्पात मचाने वाला, फिर उसने शराब भी पी ली तो और शराब और उत्पात मचाएगा, उसके ऊपर से उसको बिच्छू ने भी काट लिया, तब तो वो और उछलना कूदना शुरू कर देगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा। और उसके ऊपर तन्मध्य भूत संचार, मतलब उसके ऊपर अगर भूत भी आ जाए, प्रेत बाधा जिसे बोलते हैं, अगर उस पर भूत भी आ जाए, प्रेत आ जाए उसके ऊपर, तो सोचिए क्या उसकी स्थिति होगी। तो वो जो है यद्वा यद्वा भविष्यति, अगर इस प्रकार से उसके ऊपर इतनी सारी चीजें हो तो सोचिए कि उसके उत्पाद कितना बढ़ जाएगा। तो ये तो मतलब एक सोचने वाली बात है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो, मतलब कहने का उसका सार ये है कि अगर दुष्ट व्यक्ति हो और उसको अगर बुरी लतें लगती चली जाएं, एक के बाद एक जो उसके उस बढ़ाती चली जाएं, तो उस स्थिति में उसकी दुष्टता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। यद्वा यद्वा भविष्यति, वो ऐसे ही कर करके आगे बढ़ता जाएगा और उसकी दुष्टता जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो खुद के भी कंट्रोल में नहीं रहता उसके बाद। तो ये चाटुश्लोक कहा है। इसके बाद एक समस्या है, अब ये समस्याएं भी आपके दी हैं, ये समस्या भी आप देखते जाइएगा। किम नरह कुरते गानम, अब देखिए यहां पर किम, अभी आपने पढ़ा था किम के रूप पढ़े थे, किम जो है प्रथमा एक विभक्त, एक प्रथमा एक वचन का रूप है। तो किम नरह, वो कौन से नर हैं, कुरुते गानम, जो गाना गाते हैं। किम नरह
कुरते गानम, कौन सा मनुष्य गाना गाता है? कम कम पुष्णाति जांगलम, कम कम पुष्णाति जांगलम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए जो जंगल है, जंगल के बारे में बात हो रही है, तो जंगल जो है किसका पोषण करता है? बेसिकली क्या चीज जंगल से मिलती है आपको, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कामितार्थ प्रदा देव गवि, अब कामितार्थ प्रदा देव गवि, देव गवि जो है वो यूज किया गया है एक धेनु के लिए, मतलब कामधेनु जो गाय होती है उसके बारे में बात हो रही है कि आपकी जो इच्छाओं की जो पूर्ति करती है वह गाय कौन है, उसके बारे में बात हो रही है। कामितार्थ प्रदा, आपके इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय कौन है, वो देवताओं की गाय कौन है, वह कामधेनु है। तो ये आपको अर्थ के हिसाब से आपको निकालने हैं शब्द, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं लेकिन आपको निकालने हैं। किम शुकवत वनम, अब शुकवत, शुक कहते हैं तोते को, तो शुकवत शुक की तरह है, मतलब क्या हुआ शुक की तरह है, कौन सा वन होता है, कौन सा वन है, तो इन सब का आपको अर्थ निकाल के उसके बताने हैं कि क्या आपको उसका आंसर निकालना है बेसिकली। अब यहां पर जो समस्याएं दी हुई हैं उन समस्याओं में ही उनके उत्तर छुपे हुए हैं। अब जैसे देखिए यहां लिखा है किम नरह कुरुते गानम, अब इसको अगर आप देखें तो यहां पर देखिए किम नरह, इसको अगर आप जोड़ दें यहां पर संधि कर दें तो आगे देखिए ऊपर लिखा है की के ऊपर लिखा है अनुस्वार, अनुस्वार के आगे लिखा है अगले शब्द में ना, पहला शब्द है नरह का ना, तो ना जो है वो आता है ता था दा धा ना, उसमें आता है, तो ये जो अनुस्वार है वो परिवर्तित होके ना में हो जाएगा, तो हो जाएगा किन्नरह, समझ में आ रहा है किन्नरह। तो कौन से पुरुष हैं जो गाना गाते हैं वो किन्नर कहलाते हैं, किन्नरह, तो स्वर्ग में होते हैं किन्नर, वे वहां पर संगीत और उसमें बड़े निपुण होते हैं, तो वहां पर वे गाते हैं, देव की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं किन्नर। तो यहां से देखिए आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा उसी प्रश्न का उत्तर भी उसी में दिया हुआ है, किम नरह कुरते गानम, कौन से पुरुष, कौन सा पुरुष जो है वो गाना गाता है, उसी में उत्तर लिखा है किन्नरह कुरते गानम, किन्नर गाथा गाते हैं। कम कम पुष्णाति जांगलम, कम कम पुष्णाति जांगलम, अब जंगल में कौन जो है, अब यहां पे पुष्णाति यूज किया हुआ है जंगल के लिए, वहां पे हो गया मांस के लिए, कि कौन जो है वो मांस के द्वारा या जंगल में किसको किसको कम कम मांस के द्वारा जिसका पुष्णाति जो पोषण होता है, तो जंगल में कम कम अलग अलग लिखा हुआ है, अगर इसको आप जोड़ दें तो यह हो जाएगा कंकम। अब इसमें आपको फिर से संधि लगानी पड़ेगी, तो पहले वाले का के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है वह परिवर्तित होगा, अगला जो उसके आगे शब्द लिखा है उसमें पहला अक्षर है का, तो वो काखा गाघा अंग, तो वह अंग जो लिखा हुआ वो वाला अंग आ जाएगा यहां पे पहले वाले में, तो हो जाएगा कंग कम, और कम कंग कम का मतलब होता है चील, तो चील जो है वो है जंगल में अपने मांस खाती है, तो उसके द्वारा उसका पोषण होता है, तो यहां पर ही उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। कामितार्थ प्रदा देव गवि, अब कौन सी जो देव गवि, देखिए देव गवि, गवि होती गाय, देव गवि मतलब देवताओं की, तो कौन सी ऐसी देवताओं की गाय है जो आपको, आप जो भी मांगे वह आपको प्रदान करती है,
तो ये आपको पता ही है कि कामधेनु जो है वह आपकी जो भी आप मांगते हैं कामधेनु उसको प्रदान कर देती है। तो ये कामधेनु के लिए कहा गया है। किम शुकवत वनम, अब देखिए यहां पर शुकवत, शुकवत का मतलब होता है तोते की तरह। अब यहां पर उसके अर्थ को दूसरे तरीके से देखना है। तोता जो है उसका रंग जो है वह हरा होता है, तो हरे रंग का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। तो कौन सा ऐसा है जो तोते की तरह जंगल है, मतलब हरे रंग का जंगल कौन सा है? अब इसी जगह पर जो किम शुकवत लिखा हुआ है, इसमें किम में आगे शुकवत लिखा है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो अगर इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा किम शुकवत। किम शुकवत एक वर्ड बन गया, एक शब्द बन गया जोड़ने से, अभी अलग अलग लिखा है। और किम शुकवत जो है वो किमशुक जो है एक पेड़ होता है, किमशुक का वृक्ष होता है। तो किमशुक का जो जंगल है उसकी बात हो रही है यहां पर। तो यहां पे इसका अर्थ निकलेगा किमशुक के जो वृक्ष हैं उनसे जो भरा हुआ जंगल है उस जंगल की बात हो रही है। तो किमशुकवत वनम इसका अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से आपको समस्या से ही अर्थ कैसे निकालें, उसके उत्तर कैसे निकालें, इन सब समस्याओं में आपको ऐसे ही कुछ समस्याएं दी जाएंगी जिसमें उनके उत्तर छुपे होंगे। तो यहां से हर एक का आपको निकालना है। पहले का होगा किन्नरा, फिर होगा कंकम, फिर देवगवि, यहां पर जो है ये देवताओं की हो गई, कामधेनु, और इसका होगा किमशुकवत। तो इसी में से ही उसके उत्तर आ जाएंगे। पहले पढ़ने से अगर आपको अर्थ आते हैं तो पहली बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये प्रश्न है। जब उसको मिलाएंगे कुछ शब्दों को इधर उधर करके, संधि बंदी करके, तो आपको समझ में आएगा नहीं ये प्रश्न तो था पहले जब पढ़ा था, लेकिन जब दोबारा पढ़ा तो ये उत्तर बता रहा है। हर एक का उत्तर भी अपने आप बताएगा। तो यही इसकी खासियत है। चलिए अगला देखते हैं। देव दैवज्ञत्वम, अब यहां पर जो चाटुश्लोक है, इस चाटुश्लोक में ये आपका जो नौवां पाठा है उसमें आपको दिया हुआ है। दैवज्ञत्वम मांत्रिकत्वम भैष्यम चाटुकौशलम एकैकमर्थ लाभाय, एक सेकंड में पावर कनेक्ट कर दो जरा। हाँ, एकैकमर्थ लाभाय द्वित्रयोगस्तु दुर्लभः। अब देखिए यहां पर जो शब्द दिए हुए ना, उन शब्दों को अर्थ उनका समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि शब्द अगर समझ में आ जाएंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा चाटुश्लोका का। अब देखिए यहां पर बताया है कि अर्थ लाभ, एकैकमर्थ लाभाय, अर्थ लाभ मतलब आप जो धन कमाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे धन को कमाया जा सकता है। तो होता है दैवज्ञत्वम, तो जो दैवी ज्ञान है वो आपको ज्योतिषी बताते हैं, तो ज्योतिष के द्वारा आपको दैवी ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ऐसे नक्षत्र, ये काम वो काम जो हम लोग उसमें करते हैं, तो वो ज्योतिष गणनाओं के ऊपर आधारित होते हैं। तो यहां पर दैवज्ञत्वम का मतलब जो है ज्योतिष शास्त्र से है, उसका जो भी कार्य करता है, तो मतलब हो गया ज्योतिषी एक प्रकार से समझ लीजिए, ज्योतिष का काम करने वाले। मांत्रिकत्वम, और जो मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उनके जो ज्ञाता हैं, तो एक ज्योतिष के ज्ञाता हो गए, एक मंत्रों के ज्ञाता हो गए। भैषज्ञम, अब भैषज्ञम जो है ये जो
वंदना जी जैसे काम कर रही हैं, वैद्य की तरह काम कर रही हैं, तो औषधि की ज्ञाता हैं। तो वो जो औषधि के ज्ञाता हैं, मतलब वैद्य लोग हैं, उसका जो ज्ञान है, वैद्यकी का जो ज्ञान है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। भैषजम चाटु कौशलम, और जो चाटु कारिता जो करते हैं, उसमें जो कुशल होते हैं, उनको बोलते हैं चाटु कौशल। चाटु कौशलम मतलब उनका जो चाटु कौशल करने वाले जो लोग हैं, जो इन चीजों में लगे रहते हैं कि दूसरों की बड़ाई करो, अपना काम निकालो, उनको बोलते हैं चाटु कौशल। उनकी अपनी प्रतिभा कोई दूसरी नहीं है कि वो विशेषज्ञ हैं, जैसे दैवज्ञ, मांत्रिकत्वम, भैषज्ञम, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के एक बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। तो दैवज्ञम है, ज्योतिषी है, उसको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वो अपने क्षेत्र का माहिर है। मांत्रिकत्वम, ये अपने मंत्रों को ज्ञाता हैं, उनको पता है। भैषज्ञम, ये औषधि के बारे में ज्ञाता हैं, उसके हैं। लेकिन चाटु कौशलम जो है, ये एक चौथे प्रकार की विद्या हो गई, जिसको आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप चाटुकारिता करिए, दूसरों की चापलूसी करिए और अपना काम निकालिए, तो ये भी एक कौशल है। तो इन्होंने कहा ये चार कौशल बताए हैं। एकै कर्मार्थम लाभाय द्वित्रयोगस्तु दुर्लभः। एकैकम का मतलब है एक ही, इनमें से चार जो बताई गई हैं, इनमें से एक ही अर्थ लाभ के लिए काफी है। अगर आपको, आप ज्योतिष बन जाएं, मतलब इस प्रकार की जो विधाएं हैं, खाली ज्योतिष ही नहीं, इस प्रकार की जो विधाएं हैं उनमें आप अगर पारंगत हो जाएं, तो आपको आपका जीवन यापन हो जाएगा, उससे आप खूब धन कमा सकते हैं। या आप मांत्रिकत्वम बन जाएं, या आप औषधि के ज्ञाता बन जाएं, वैद्य बन जाएं, या आप चाटुकार बन जाएं, तो आप अपना जीवन यापन उसे कर सकते हैं। आपके अर्थ लाभ के लिए, धन अर्जन के लिए वो एक ही विद्या काफी है। लेकिन द्वित्रयोग गस्तु दुर्लभः, इनमें से कोई भी अगर दो या तीन अगर चीजें किसी के पास हो, ऐसा होना थोड़ा दुर्लभ होता है। ये मतलब सारी चीजें किसी के पास हो, कोई दो गुण हो उसके अंदर, या तीन हो या चारों हो, ये थोड़ा सा दुर्लभ संयोग होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कुछ लोग इसमें भी पारंगत हो जाते हैं। तो जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है, तो वो अपनी विद्या के ऊपर घमंड करता है कि हाँ मैं सब जानता हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र में पारंगत है, बहुत सिद्धहस्त है अपने उसमें, तो वो किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकता। और अगर वो ज्योतिषी है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है कि वो वैद्य हो या मंत्रों का ज्ञाता हो, उसमें उस पारंगत हो, वो उसका महान आदमी हो उसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही आपको धन अर्जन के लिए जो जो मार्ग ये दिखाए हैं, चार मार्ग, उसमें से एक मार्ग ही आपके लिए काफी है। लेकिन अगर दो या तीन हो, उनका योग हो, तो वो थोड़ा दुर्लभ होता है, ऐसे सब में नहीं होता। ये इस चातुश्लोका का मतलब है। अब देखिए अगला, देखिए दामोदर कराघात विह्वलीकृत चेतसा दृष्टम चारुण मल्लेन शतचंद्रम नभस्तलम। अब यहां पर दामोदर, अभी समस्या में उन्होंने बताया कि दामोदर कराघात, दामोदर किसे कहते हैं? भगवान को, भगवान कृष्ण को कृष्ण दामोदर। भगवान को कहते हैं। दामोदर जो है वो कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण जी जो है, उनके बारे में बात हो रही। कराघात, कर आघात, कर जो है हाथ को बोलते हैं, तो हाथ से उन्होंने आघात किया, तो अपने हाथों से प्रहार किया। विह्वलीकृत चेतसा, और विह्वलीकृत हो गया मतलब विह्वल हो गया, जैसे हिंदी में बोलते हैं विह्वल हो गया। तो जब जो चारुण मल्लेन, चारुण नाम का जो राक्षस था, वो पहलवान था,
काफी बड़ा पहलवान था, तो उसको जब कृष्ण भगवान ने मारा तो उसके सिर पे उन्होंने अपने घूंसे से, अपने हाथ से उन्होंने प्रहार किया। तो प्रहार करने से क्या हुआ कि चारुण को विह्वलीकृत चेतसा, उसकी जो चेतना थी वो चली गई, वो विह्वल हो गया, ये उसका मतलब हुआ। मतलब उसको चक्कर आने लगे और सिर घूमने लगा उसका। और दृष्टम चारुण मल्लेन शतचंद्रम नभस्थलम, चारुण मल्ल जो था, जो चारुण पहलवान था मल्ल के लिए, या उसको चारुण राक्षस था, जब उसको कृष्ण भगवान ने मारा तो दृष्टम उसको दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, शतचंद्रम 100 चंद्रमा नभस्थलम, आकाश में उसको एक चंद्रमा की बजाय 100-100 चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे। तो ये कृष्ण भगवान की जो लड़ाई हुई थी चारुण से, उसके बारे में ये कहा गया है। अब यहां पर जो सतचंद्रम नभस्थलम ये जो यूज किया गया है, तो ये सतचंद्रम, सत का मतलब 100, चंद्र का मतलब चंद्रमा, नभस्थलम, नभ तलम, नभ में आकाश में उसको 100-100 चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे। इसके बाद ये आपका जो आखिरी चैप्टर है, उस चैप्टर में ये चाटुश्लोका है, वहां से जो 10वां आपका अध्याय है, उस 10वें अध्याय में है, चतुरह सखी में भरता यल लिखति को न वाचयति तस्मादप्यधिको मे यल लिखति स्वयं न वाचयति। अब यहां पर देखिए, दो सखियां हैं, सखी दो दोस्त हैं, लेडीज हैं, तो उनको सखी बोला जा रहा है। तो दो सखियां आपस में बातें कर रही हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब दो बातें करती हैं तो उनमें कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धा सी होने लगती है बातों बातों में, कि वो थोड़ी सी ज्यादा बोलने लगती हैं चीजों के बारे में, और उतना चीजें होती नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा ये होता है कि मैं कम कैसे हो जाऊं इनसे, तो थोड़ा सा बातों बातों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा टाइप की हो जाती है, जो कि वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन के अंदर रहता है और बातों में वो परिलक्षित भी हो जाती है। तो वहीं से ही ये चाटुश्लोक बना है, उन दो सखियों के बीच में वार्ता जो हो रही है, जो बातें कर रही हैं, उसी में से ही ये चाटुश्लोक का एक उद्धरण वहीं से आया है। अब देखिए इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है, चतुरह सखी में भरता। अब देखिए जो एक जो उनकी एक पहली सखी है, दो सखियों में से जो पहली है, वो कह रही है कि चतुरह में भरता, भरता होता है उनका पति, चतुरह मेरे पति इतने चतुर हैं, चतुरह में भरता यल लिखति को न वाचयति, कि इतने पढ़े लिखे हैं, उसका कहने का मतलब था कि इतने पढ़े लिखे हैं वो, कि इतने अच्छे शब्द वो लिखते हैं कि जब वो लिखते हैं तो कोई भी पढ़ नहीं पाता उसको, इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना, उसको पढ़ना। तो पहली सखी ने बोला, तो दूसरी सखी क्या बोलती है, उसको थोड़ा सा चुभ गई ये बात, तो अब वो क्या बोल रही है, उसके अपने पतियों की देखिए बातें कर रही हैं सखियां। तो दूसरी सखी बोलती है कि तस्मादप्योधिको मे यल लिखति स्वयं न वाचयति, मेरे ये तो कुछ भी नहीं है, तस्मादप्य अधिको ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पति तो और भी चतुर हैं, वो यल लिखति स्वयं न वाचयति, वो जो लिखते हैं वो तो खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप दूसरों की तो छोड़ ही दो, दूसरे नहीं पढ़ पाते वो तो दूसरी बात है, वो तो इतने बड़े हैं विद्वान हैं, इतने चतुर हैं कि वो खुद लिखते हैं खुद ही नहीं पढ़ पाते। अब वो ऐसी कुछ हास्यास्पद बातें कह जाते हैं कभी कभी लोग ज्यादा बोलने के चक्कर में, जो बाद में उनको समझ में आता है कि वो क्या बोल गए। तो वहीं से ये हास्य की उत्पत्ति होती है कि उसने पहली सखी ने, हो सकता है कि उसका बोलने का मतलब कुछ और था, कि इतने पढ़े लिखे हैं कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाइए तो
आपको कुछ नोट्स लिखेगा अपने पर्चे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या लिख रहा है। कुछ ऐसे टिपिकल टर्म्स यूज करेंगे वो जो डॉक्टरों की लैंग्वेज में ही चलते हैं, वो साधारण लैंग्वेज में हम लोग समझ में नहीं आता। तो वो उन शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण वो जब भी लिखेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाता कि वो क्या लिख रहे हैं। एक डॉक्टर होगा वो समझ लेगा, क्योंकि वो उसकी उसकी डिक्शनरी में वो शब्द होते हैं, साधारण डिक्शनरी में होते नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी सखी थी उसको लगा कि अरे मैं उससे कम कैसे हो जाऊं, मेरा पति उससे चतुर हो ज्यादा है, तो वो पढ़ाई करने में उसने थोड़ा और ज्यादा कर लिया, कहने दूसरों की छोड़ो तो खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब उसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो गया। चलिए तो ये आखिरी है, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। अब देखिए ये एक समस्या है, इसी समस्या में जैसे आपको बताया कि समस्याओं में ही उनके अर्थ छुपे होते हैं, पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है कि उसका आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या उसका उत्तर निकल रहा है। अब इसको जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर से जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा कि पानीयम पातुम इच्छामि, कोई जो है वो पानी पीने के लिए पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी दे दो। त्वत्तः कमल लोचने, तो अभी कोई कोई औरत है, कोई महिला है, तो उसके बाद उससे कह रहा है कि अब उसकी बड़ाई भी साथ में कर रहा है कि मुझे पानी पीने के लिए मिल जाए, तो थोड़ी बड़ाई किसी की कर दो तो थोड़ा नरम हो जाता है, आपकी सहायता करेगा। तो इसलिए कमल लोचने उसको बोला कि कमल के समान आंखों वाली, अगर मुझे थोड़ा पानी पीने की इच्छा है, मुझे थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तो उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि दास्यसी न इच्छामी ने इच्छामी, यदि आप देती हैं तो मैं नहीं पीऊंगा, न दास्यसि पिबाम्यहम्, अगर नहीं देंगी तो पीऊंगा। अब यहां देखिए एक विरोधाभास हो गया कि पानी पीने के लिए वो मांग रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि अगर आप मुझे पानी देंगी तो मैं नहीं पीऊंगा, अगर नहीं देंगी तो मैं पी लूंगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो क्या इस समस्या का क्या समाधान होगा? तो यहां पर ही इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा कि क्या वो कहना चाहता है। तो शब्दों का उलटफेर है। तो पहली लाइन में तो समझ में आ गया कि वो पानी पीने के लिए मांग रहा है। दूसरी में उसने बोला कि यदि दास्यसि नेक्षामि, मतलब अब दास्यसी जो है इसको आपको अलग अलग करना होगा। जब इसको अलग करेंगे तो ये बनेगा दास्यसी का, बन जाएगा दासी असी, दो अलग अलग बनेंगे। तो इसमें जो है संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दासी असी, अगर तुम दासी हो तो मैं नहीं पीऊंगा, यदि दास्यसी नेक्षामि, यदि दासी असी तुम दासी हो तो नहीं पीऊंगा, ना दास्यसि पिबाम्यहम्, अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं पीऊंगा। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, जी आए। तो अब यही देखिए, यही शब्द हैं, यही पर ही समस्या से उत्पन्न होती है और यहीं से ही उसके उत्तर मिलते हैं। तो इसीलिए इनको शब्दों को देखिए कितने अच्छे ढंग से लिखा गया है। संस्कृत की खासियत देखिए कि ऐसे शब्दों में संधि विच्छेद कर दिया, कहीं कुछ कर दिया और उससे उनको संधि बना दी, कभी उसके अर्थ कितने चेंज हो जाते हैं। और आपको कुछ अलग से शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये संस्कृत की विशेषता है कि आप उसी शब्दों का उलटफेर करके या उसी को आगे पीछे करके या आपस में जोड़ के और अलग करके उनसे अलग अलग अर्थ बना सकते हैं, ये उसकी खासियत है। ठीक है, तो ये आपकी समस्या थी, बाकी हम ये तो बाद में करेंगे, अभी आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है। तो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो तो बता दें, वरना फिर शांति मंत्र लें।
क्लियर हो गया अभी सब? महोदया जी, हाँ ये क्लियर हो गया महोदया जी। ये पूरे जो ये परिचय का है उसमें एक विधि लिंग नया आया है, और ये कर्मणि और पूर्वी और ये चम, यही नए नए है ना, और अव्यय पद समस्या चतुर्लोक हाँ सभी कुछ है ना। प्रत्यय तो देखिए दो है ना। देखिए, उसमें आप अगर परिचय की किताब उठाएंगे तो उसमें आपको भाषाभ्यास मिलेगा। पहले भाषाभ्यास में कर्तरी का प्रयोग आप पहले कर चुके हैं, तो अब उन्होंने कर्मणि के प्रयोग बताए हैं, और उसमें बहुत सारे शब्द आप लोगों को शुरू में मैंने बताए थे कि किस प्रकार से कौन से लकार में या प्रत्यय लगा के बनते हैं, वो आते हैं। व्यवहारिक शब्दावली दी हुई है, शब्दावली है, चाटु श्लोक आपने देख लिए हैं, समस्याएं आपकी देखिए मैं सारी खत्म हो गई हैं आपकी। सुभाषितम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अन्वय था, अन्वय हम लोगों ने पढ़े थे, फिर काव्य कथा थी, काव्य कथाएं आपने पढ़ी हैं। अभी मैं सोच रहा था कि एक काव्य कथा आपको दशरथ वाली जो थी इसमें लेने के लिए, लेकिन अभी समय हो गया है, तो चूंकि चन और चित का हम लोगों ने अभी आज देखा था तो समय नहीं रहा इसलिए, तो वो हम देख लेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहानियां तो उसमें ऐसे ही दी हुई हैं, काव्य कथा और संस्कृत में और हिंदी में दोनों में दी हैं, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुवाद और ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। जो आपको एक और चीज थी संधि, वो आपको संधियां जो बताई गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए उन संधियों को, वो आपके न सिर्फ परिचय में है बल्कि आपके आगे बहुत काम आएंगे। अब जैसे आपने चाटु श्लोका देखा, चाटु श्लोका में देखिए संधियों का कितना काम है, ऐसे ही आप आगे जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, रामायण है, महाभारत है, या कोई भी वेद वेद पढ़ेंगे, उन सब में संधि समास का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका प्रयोग है। तो इसको पढ़ने के हिसाब से नहीं बल्कि इसको आत्मसात कर लीजिए। विभक्तियां हैं, ये हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं संस्कृत की, इसीलिए आपको ये शुरू में ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इनको देखने की आदत बन जाएगी आपकी, तो वैसे ही आपको ये सब सरल लगने लगेगा, सारे शब्द अर्थ जो है सब सरल लगने लगेंगे। अभी देखिए यहां पर भी आप, अभी आपने देखिए किम शब्द के साथ में चित और चन का प्रयोग देखा, अभी देखिए सामने लिखा हुआ है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहां पर देखिए कश्चित् वर्ड आया है, इसमें चित प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे क्या चीज है ये कश्चित्। अब कश्चित् में देखिए कह और चित जो विसर्ग है कह का, उसमें शा बन गया जब आपने संधि कर दी, तो बन गया कश्चित्। इसको अलग अलग करेंगे तो होएगा कह चित। तो इस प्रकार से ही आपको देखना आ जाएगा, शब्द दिखेंगे आपको कि कहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, और बहुत जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये कहते हैं ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो, अब दुख का पता नहीं है, कोई भी दुख ना हो, ये कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को देखना है। तो संधियां भी इम्पोर्टेंट हैं, संधियों को भी देखिए, और इसी में से ही आप लोगों के प्रश्न आते हैं, तो कुछ सुभाषितानी होंगे, कुछ चाटुश्लोका में आपको लिखने को आ जाएगा, कुछ संधियों के बारे में कुछ प्रश्न आएंगे आपके, काव्य कथा देंगे उसके उत्तर लिखने होंगे, उसमें प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही करके आपको जैसे प्रवेशा में था वैसे ही है इसमें भी। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी चीजें अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं उन सबको रिवाइज करते जाइए, थोड़ा रिवीजन जरूरी है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अभी संधियां थी, संधियां आप लोगों को पढ़ाई गई थी तो याद हो जानी चाहिए थी अभी तक आप सब लोगों को, तो जिसको जिसको याद हो गई अच्छा है, और याद कर लीजिए। बेसिकली बस ये इतना ही कह सकता हूँ कि आप जितना अच्छा होगा, नोट्स आपके बन ही गए होंगे, नहीं तो किताबों से और इसमें आपके वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जो स्लाइड्स हैं वहां से मिल जाएंगी, तो आप उसको करिए। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? नहीं है तो शांति मंत्र ले लीजिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तत्सत्। धन्यवाद। और इसमें देखिए, जब हम ये ओम शांति 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 बोलते हैं तो इसमें एक साथ ही बोलिए, इसको बीच में गैप मत करिए, एक साथ ही बोलेंगे तो उसका है ओम शांति 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 ही। अगर गैप करेंगे तो फिर उसकी संधि नहीं आती है, संधि। अब जैसे आपको बोला था ना, विसर्ग का शा हो जाता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि विसर्ग का यहाँ पे शा क्यों बोल रहे हैं आप। अभी आपने पढ़ा किम के प्रयोग पढ़े थे, उसमें चित और चंद जब लगाया था तो वहां देखा था विसर्ग की जहां कहीं भी आया वहां शाह हो गया, इसलिए यहाँ पे शाह बोलते हैं ओम शांति 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 ही, क्योंकि यहाँ पर संधि हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप रुक गए तो संधि नहीं होगी, अगर आप रुक गए तो आपको विसर्ग बोलना पड़ेगा ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे तब बोलेंगे ओम शांति 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 ही, लास्ट वाले में विसर्ग बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जितनी भी संधियां हैं अपने आप ही सब याद हो जाएंगी, रिवीजन होता रहेगा। बोलने से ही देखिए कितना रिवीजन हो जाता है। कई चीजें तो मेरे को यहीं दिखाई पड़ गई तो आपको मैंने इसलिए बता दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया। आप हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। किसी कोई और आप लोगों को अगर टॉपिक लेना हो तो बता दीजिएगा, एडवांस में बताइए, उसी दिन मत बताइए जिस दिन क्लास है कक्षा है, क्योंकि फिर मुझे स्लाइड प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, 2-3 दिन लगते हैं स्लाइड पूरा बनाने में, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा शुरू में ही बता देंगे 2-1 दिन के अंदर ही तो अच्छा रहता है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कुछ टॉपिक देख लूँगा। और आप लोगों को मैंने उसके लिए भी बोला था, वैदिक गणित के लिए। हाँ, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है उसमें कुछ जानने समझने का लोगों का, तो आप लोग बताएं तो एक उसका भी सेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद।